स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में, मैं आपके साथ सिमरन। इंदौर में कोरोना फिर तेजी से लौट आया है, इस बार ये बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 166 नए केस सामने आए हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए काफी सावधानी बरतें। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2199 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 166 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। एक मरीज की मौत भी कोरोना से हुई। इसे मिलाकर शहर में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 936 पर पहुंच गया है। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1353 हो गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोरोना की समीक्षा में सीएम ने 8 मार्च तक इस पर फैसला लेने की बात कही थी। अब माना जा रहा है कि एक बार फिर सीएम इंदौर और भोपाल के हालात की समीक्षा करेंगे। हालांकि इंदौर में यूके स्ट्रेन के 6 मरीज मिलने के बाद से प्रशासन सतर्क हो गया है। पिछले कुछ दिनों से औसतन 150 मरीज रोज सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले साल स्वाद गायब होने और भूख नहीं लगने के लक्षण सामने आए थे, लेकिन अभी कोरोना के मरीजों में बदन दर्द, सिर दर्द और बुखार के लक्षणों की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही हैं। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।